एक नया YouTube चैनल बनाने के लिए बस आपके पास में एक जीमेल आईडी का होना ज़रूरी है। इसको हम लोग जीमेल आईडी बोलते हैं और जिसको आप लोग प्ले स्टोर की आईडी भी बोलते हैं, ये वही जीमेल आईडी होता है। ये आपके पास में पहले से होगा, मुझे भी बताएं, लेकिन शायद से आपको इसका पासवर्ड याद नहीं होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एक नई जीमेल आईडी बनाएं ताकि आपको उसका पासवर्ड भी याद रहे और आप लोग अपने चैनल को अच्छे से चला भी सको। तो नई जीमेल आईडी पहले हम बनाएंगे, तो यहाँ पर इस जीमेल को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, गूगल यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद में क्रिएट अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉर माई सेल्फ यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपना पहला नाम डालेंगे फर्स्ट नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। अब यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया, पहला फर्स्ट नेम डाल दिया, लास्ट नेम डाल दिया, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐसा डालना जो आपको याद रहे, ये आपके अकाउंट रिकवरी में आपकी मदद करता है। जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो इससे आपका अकाउंट रिकवर हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ जेंडर डालने के बाद में नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ जीमेल आईडी पहले से दे रहा है, चाहो तो इनका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है, और नहीं तो आप तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फिर से अपना नाम डालेंगे, यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है, उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखो बोल रहा है कि ये जो यूज़र नेम है इस नाम से पहले किसी ने बना रखी है, तो आप लोग यहाँ पर इसमें चाहो तो ये नंबर लगा सकते हो आगे, जैसे कि इन्होंने दे रखा है, या फिर कुछ और इंग्लिश वर्ड लगा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ और लगा के मेरे को शायद से मिल जाए, ये मैंने लगाया 10 यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर मैं नेक्स्ट करके देखूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसी ने नहीं लिया था, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट बन गया। अब इस अकाउंट का आप लोग यहाँ पर पासवर्ड डालोगे, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना। पासवर्ड डालने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब आपको नीचे में आना है, येस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, अकाउंट आपका बन गया। फिर से यहाँ पर नीचे में आएंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट सक्सेसफुली बन चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आ गया आपका यहाँ पर अकाउंट। अब आप यूट्यूब चैनल बनाने के लिए रेडी हो, आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक सेटिंग करा देता हूँ ताकि आप लोग जो भी काम करो सारा गूगल क्रोम में ही ओपन हो। सेटिंग में आना है अपने फ़ोन के, यहाँ पर लिखना है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर आप लोग जैसे ही डिफ़ॉल्ट लिखोगे तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स करके आ जाएगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र इस पर क्लिक करेंगे। आपके फ़ोन के साथ में जो आया हुआ ब्राउज़र होता है कंपनी उसी को सेलेक्ट करके देती है ऑटोमेटिकली, बट आपको यहाँ पर गूगल क्रोम पर कर देना है, इसके बिना आप अपना चैनल नहीं बना पाओगे। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद में अब आप यहाँ पे सारे काम अपने गूगल क्रोम में ही कर पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद में यहाँ पर आपको YouTube ओपन करना है। तो ये मैंने डाला यहाँ पर youtube.com, उसके बाद में सर YouTube ओपन हो चुका है, 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको नीचे में आना है, डेस्कटॉप साइट यहाँ पर टिक करेंगे। अब आपको Gmail का लोगो दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग इस लोगो पर क्लिक करेंगे। पहले देखना होगा कौन सा Gmail यहाँ पे सेलेक्ट है, तो स्विच अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो आपका पहले वाला Gmail सेलेक्ट है, तो आपको यहाँ पर अपनी नई वाली जीमेल आईडी को सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इसी पे चैनल बना रहे हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद में फिर से इस लोगो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखता है क्रिएट ए चैनल, यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आपके चैनल का यहाँ पर नाम दिखा रहा है, चाहो तो आप ये नाम रख सकते हो, या फिर आप लोग कुछ चेंज करना चाहो, कोई दूसरा नाम रखना चाहते हो तो कुछ भी आप लोग रख सकते हो अपनी मर्जी से। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पर ये रख दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग कुछ भी नाम रखो अपना जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्रिएट चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अब आपका चैनल कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आप लोग फिर से इस लोगो पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा यूट्यूब स्टूडियो 3rd नंबर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपके चैनल का यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो चुका है, कंटिन्यू करेंगे, क्लोज करेंगे, तो ये आपके चैनल का कम्प्लीट डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहीं से आप अपने चैनल को कम्प्लीटली मैनेज करेंगे, चाहे वो आपके चैनल की कोई भी सेटिंग हो, वीडियो अपलोड करना हो, डिलीट करना हो, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, अपने चैनल पे कितना वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, हर एक चीज़ आप लोग यहीं से चेक करेंगे। गाइस यहाँ पर आप देखो, पहले अभी आपका जो चैनल है वो पूरी तरीके से क्रिएट नहीं हुआ है, अभी आपका चैनल ऐसा है, आप लोग वीडियो तो अपलोड कर सकते हो लेकिन आप लोग इससे पैसा नहीं कमा सकते, और 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड भी नहीं कर सकते और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते। तो चैनल को कम्प्लीटली पैसा कमाने के लिए आपको यहाँ पर चैनल को पहले वेरीफाई करना होता है। अब आपको अपने चैनल को वेरीफाई करना है तभी आप लोग 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर पाओगे और अपने चैनल पे पैसा भी कमा पाओगे। चैनल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखता है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मोबाइल को घुमा लेता हूँ ताकि और अच्छी तरीके से आपको समझ आए। अब आप देखोगे चैनल ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, फीचर एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 3 स्टेप दिखेंगे, जो आपका एक इनेबल है, बाकी 2 जो ऑप्शन है
वो आपके इनेबल नहीं है। यहाँ पे दिखा रहा है कि 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते और ना ही थंबनेल लगा सकते, ना ही लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते जो मैं आपको बता रहा था। तो इसके लिए यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए आप लोग इस एरो पर क्लिक करेंगे, तभी आप लोग ये चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर, यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे। अब ये इंटरफेस आ चुका है, नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे अपना कंट्री सेलेक्ट है पहले ही। यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है जो चालू होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको गेट कोड यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपके इसी मोबाइल नंबर पे कोड भेजा गया है 6 डिजिट का, तो वो आपको कोड यहाँ पर डालना होगा। यहाँ पर हमने कोड डालते हैं, कोड डालने के बाद में अब आपको यहाँ पर सबमिट ऑप्शन है ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो फोन नंबर वेरीफाइड, आपका चैनल वेरीफाई हो चुका है। बैक करेंगे वहीं पाएंगे डैशबोर्ड में। अब आप यहां पर देख सकते हो आपका पहले ये ऑप्शन इनेबल था, बस आपका एक नॉर्मल चैनल था। अब यहां पर देखोगे ये वाला भी इनेबल हो चुका है। अब आप लोग 15 मिनट का 2 घंटे की अपलोड करो, 20 घंटे की अपलोड करो, कितनी भी मिनट की वीडियो अपलोड करो, अब आप लोग थंबनेल भी लगा पाओगे, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे और पैसा भी कमा पाओगे, सारी चीज़ें अब आपकी हो जाएगी। अब देखो तीसरा जो ऑप्शन है ये आपका अभी इनेबल नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे जब वीडियो अपलोड करने लग जाओगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। मेन था ये चीज़ जो आपने इनेबल कर लिए सक्सेसफुली, अब आपका चैनल बन चुका है। अब आप लोग यहाँ पे अपलोड डिफॉल्ट यहाँ पर आप लोग आओगे, एडवांस सेटिंग यहाँ पर आओगे, यहाँ पर नीचे में आओगे तो अपनी चैनल की कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, आपका चैनल किस बारे में है। आप यहाँ पर स्पोर्ट्स के वीडियो डालोगे या फिर ट्रैवल इवेंट डालोगे या फिल्म एनिमेशन डालोगे या फिर गेमिंग करोगे या फिर कॉमेडी करोगे, एंटरटेनमेंट करोगे, कुछ भी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कॉमेडी, मैं यहाँ पे कॉमेडी बनाऊँगा इस चैनल पे, एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं तो मैं टैग भी बना सकता हूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो आपको अच्छा लगता है, ये मैंने यहाँ पे ये कर लिया एंड यहाँ पे सेव कर देंगे। अब आपका चैनल रेडी है वीडियो अपलोड करने के लिए, हर चीज़ करने के लिए। अब चैनल की कुछ सेटिंग्स भी होती है, मतलब कि जो मेन चीज़ थी वो तो आपने कर ली, मतलब आपकी कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग्स, जैसे कि लोगो लगाना हुआ, एक प्रोफेशनल चैनल देखोगे तो उस पर लोगो भी होता है उसका, एंड यहाँ पे पीछे ब्रांडिंग भी होती है यहाँ पे, एंड यहाँ पे पीछे एक बैनर भी होता है, तो वो चीज़ आप यहाँ से कर पाओगे। इस ऑप्शन में आके आप लोग यहाँ से अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपने कोई बना रखा है अपलोड पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका लोगो रखा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में लोगो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। चाहो तो अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ पे डन करोगे। अब ये तो बात की मतलब की चीज़ें हैं, आप लोग इसे पहले लोगो बना लेना, उसके बाद में अपलोड कर लेना यहाँ से आके, उसके बाद में बैनर लगा लेना पीछे में, मैं आपको दिखा देता हूँ वो भी अपलोड करके। अपनी गैलरी में से बैनर अपना सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपने ये लोगो किया, उसके बाद में यहाँ पर डन कर देंगे तो आपका ये बैनर भी लग जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, उसके बाद में पब्लिश कर देंगे। तो ये चीज़ पहले बनानी होगी आपको, बना लेना। अब यहाँ पर देखो ये डॉलर वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पर ये एस बना हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपके पास में एक भी सब्सक्राइबर नहीं है और आपको पैसा कमाने के लिए, मोनेटाइजेशन के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। और यहाँ पर देखो 0 पब्लिक वॉच टाइम है, यहाँ पर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। जो भी आप लोग एक साल के अंदर अंदर में जितने भी वीडियो अपलोड करोगे उन सभी का मिला के आपका वीडियो का सभी वीडियो से 4000 घंटा हो जाए तो हो जाएगा काम आपका। उसके बाद में आपका जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाएगा, आप लोग उसके बाद में पैसा कमा पाओगे, ठीक है। तो अब आप लोगों को बस 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए और पैसे कमाने के लिए आप लोग रेडी हो जाओगे। अब YouTube की एप्लीकेशन में आपका चैनल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, सक्सेसफुली आपका चैनल बन चुका है, यहाँ पर क्लिक करेंगे यूअर चैनल पाएंगे, बैनर आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा जो हमने अभी लगाया, लोगो कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे आपके सारे वीडियोज़ आ जाएंगे जैसे जैसे आप अपलोड करते जाओगे, यहाँ से भी अपनी वीडियोज़ को आप अपलोड कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अब आपका चैनल सक्सेसफुली बन चुका है, बस लोगो बना लेना और यहाँ पे अपलोड कर लेना जैसे मैंने आपको बता दिया।